फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। अंडरस्टैंड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन कोलन सेमी कोलन कॉमा ते फुल स्टॉप। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डंकी के 32 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हनुमान के 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बात करेंगे फाइटर के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डंकी के 32 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसके लीड रोल में आपको दिखे थे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान, उनके साथ तापसी पन्नू और विकी कौशल जैसे कास्ट। तो चलिए बात करते हैं इसके कलेक्शन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इसके पहले वीक के, अगर इंडियन नेट कलेक्शन की तो 160 करोड़ 22 लाख के साथ शुरुआत की थी। वहीं दूसरे वीक का इंडियन नेट कलेक्शन रहा था 46 करोड़ 25 लाख। वहीं बात करते हैं इसके तीसरे हफ्ते का इंडियन नेट कलेक्शन तो 15 करोड़ 40 लाख रहा। वहीं चौथे हफ्ते का इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो 3 करोड़ 80 लाख की कमाई की। अगर बात करते हैं यानी कि आज का संडे का कलेक्शन देखा जाए 32वें दिन का, तो करीब करीब 35 लाख के आसपास की कमाई कर रही है। टोटल यहाँ पर 32 दिनों में इंडिया से कलेक्शन हो जाता है 226 करोड़ 47 लाख। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 446 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं हनुमान के 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो प्रशांत वर्मा द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली हनुमान, जिसके लीड रोल में आपको दिखने वाले हैं तेजा साजा, उनके साथ अमृता अय्यर। तो चलिए बात करते हैं इसके कलेक्शन के बारे में। तो अगर 8 दिन यानी कि एक हफ्ते का अगर इंडिया से कलेक्शन देखा जाए तो 100 करोड़ रहा। और जहां लैंग्वेज कलेक्शन पर नज़र डाले तो तेलुगु से 74 करोड़ की कमाई की, हिंदी से 24 करोड़ 50 लाख की कमाई की, तमिल कन्नाडा और मलयालम से 1 करोड़ 50 लाख की कमाई की। अगर बात करते हैं सैटरडे यानी कि 9वें दिन का इंडिया नेट कलेक्शन तो 14 करोड़ 60 लाख की कमाई कर रही है, जिसमें से अगर लैंग्वेज कलेक्शन देखा जाए 9वें दिन का तो तेलुगु से 10 करोड़ की कमाई कर रही है, हिंदी से 4 करोड़ 10 लाख की कमाई कर रही है और तमिल कन्नाडा और मलयालम मिलाकर करीब करीब 50 लाख की कमाई कर रही है। अगर बात करते हैं सेकेंड सैटरडे यानी कि 10वें दिन का कलेक्शन देखा जाए, जिसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और 16 करोड़ 50 लाख की कमाई कर रही है। टोटल यहां पे 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 130 करोड़ 95 लाख। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 195 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। तो यह मूवी मात्र 20 करोड़ के बजट में बनी है और ये जो कि सुपर हीरो प्रशांत नील द्वारा ये डायरेक्ट की जाने वाली पहली सीरीज है। तो देखना होगा कि आगे आने वाली मूवी में यह सीरीज कितना अच्छा परफॉर्म करती है। तो चलिए अब जानते हैं फाइटर के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली जो कि फाइटर, जिसके लीड रोल में आपको दिखने वाले हैं ऋतिक रोशन, उनके साथ दिखने वाले हैं दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर जैसे कास्ट। तो चलिए बात करते हैं इसके पहले दिन के एडवांस बुकिंग के बारे में। तो अभी तक देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा की जो कि टिकट है वो सोल्ड कर चुकी है अपने पहले दिन के लिए और कलेक्शन हो जाता है 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ अपने पहले दिन के लिए कलेक्शन कर चुकी है। तो देखना होगा कि आगे चल के इसका कलेक्शन बढ़ता है और पहले दिन अपने ओपनिंग डे कितना कलेक्शन करने वाली है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के अपडेट के साथ। धन्यवाद।